Hey, it's your buddy Asif Khan. What's up, guys? I'm back with a new video. So after 2 months, I'm starting my camera and starting my vlogging again. And today I'm gonna vlog about this and this because ये है ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी. ये पूरा का पूरा एम्प्टी था और हम लोग को ये लगाना था, बट एक साल से ये ग्रिल आके पड़ी हुई थी और लगा हुआ नहीं था. सो आई वॉज इन बॉम्बे एंड जब लॉकडाउन में मैं यहाँ पे आया, उसके बाद भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर मैंने पापा को बोला कि चलो यार लगा लेते हैं अभी. सो लगाने के लिए एक ग्रिल वाले को हमने एक साल से बोल रखा था, लेकिन वो आया नहीं था. सो जैसे तैसे करके आया, उसके कारीगर आए. वो ये लोग है ना, ये जो लगाने के लिए यहाँ तक बोल रहे थे, अभी यहाँ तक इसको लगा देते तो यहाँ पे सपोर्ट कैसे मारते. तो पहले दिन तो मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं नहीं लगा पाया, उन लोगों ने यहीं पे लगाया. वो लोग ग्रिल वाले, उन लोगों ने दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया. सो सेकेंड डे आई केम एंड मैंने फिर इसको यहाँ से कटवा के यहाँ पे लगवाया. देन आई ये सब जो रॉड है ना, ये सब जो आयरन रॉड है, जो सड़ी है, ये पट्टी है, ये नीचे एंगल सपोर्ट का मारा हुआ है ताकि ये इस पर कोई भी कितना भी कूदे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो ये सब चीज़ें मैंने की. और वो जो कारीगर था ना, उससे वेल्डिंग सेल्डिंग कुछ हो नहीं रहा था. सो ये बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये सब मैंने ही बनाया. ये आइडिया मेरे थे और उन लोगों ने थोड़ा मोड़ा किया, बट उन लोग से नहीं हो पा रहा था. सो आई डिड इट. सो एंड नाउ फिर मैंने इसमें ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये मैंने रेड ऑक्साइड लगाया. मतलब कि अगर हम आयरन पे ये रेड ऑक्साइड लगा देते हैं ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक इसमें जंग पकड़ने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, जंग नहीं पकड़ता है बहुत टाइम तक. अब ये रेड ऑक्साइड तो हमने लगा दिया, नाउ इट्स टाइम टू पेंट इट, नाउ इट्स टाइम टू कलर इट. सो नाउ आई एम गोइंग टू कलर इट और वो सब भी मैं खुद ही करने वाला हूँ. सो आई होप कि आप लोगों को ये सब देख के ना ऐसा लगे दिस इज डी आई वाई टाइप वर्क, डू इट योरसेल्फ. सो लेट्स गो. सो नाउ कलर लगाने के लिए हमको कलर बनाना पड़ेगा इन द सेंस कलर बनाना नहीं पड़ेगा, बट इसको मिक्स इट करना पड़ेगा. सो आई हैव दिस 2-3 थिंग्स हियर. दिस इज थिनर, सो इसको हम थिनर यूज करेंगे. और ये ब्रश है, बट ये पहले कलर किया हुआ था सो ये कड़क हो गया है. सो सबसे पहले इसको मैं ना थोड़ा सा नरम कर लेता हूँ, इसको मैं धो लेता हूँ थिनर से. तो ये मैंने थिनर ब्रश को थिनर में डाल दिया है, तो अभी ये थोड़ी देर के लिए नरम हो जाएगा, फिर कलर करने के लिए और ब्रश करने के लिए ये रेडी हो जाएगा. ओके, सो थिनर का और ब्रश का ये काम था. अब आई हैव कलर, तो इस कलर को हम डायरेक्टली नहीं मार सकते, डायरेक्टली नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर डायरेक्टली लगाएंगे तो उसके वो उतर जाएंगे, बूंद बूंद करके वो गिर जाएंगे. तो इसमें हमको मिक्स करना पड़ेगा थिनर, ये दोनों को मिक्स करने के बाद फिर हम लोग इसको कर सकते हैं. ओके, सो आई हैव दिस वन डब्बा और इसी में मैं अपना कलर मिक्स करने वाला हूँ. और आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज लगेगा दैट हाउ कैन आई डू दैट एंड मैंने लर्न कहाँ से किया, मैंने सीखा कहाँ से. सो इट इज़ वेरी इजी यार, बिकॉज मैं क्या है वो करता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ. सो आई कैन डू इट वेरी वेल. सो सबसे पहले ये जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगा. सो कभी आप लोग ये सब करो ना तो बी केयरफुल अबाउट. और मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप लोग को बता रहा हूँ, तो अगर आपको करना हो, बिकॉज दिस इज फन यार, तो अगर आपको करना हो तो यू कैन डू इट. सो ये आप लोग देख सकते हो, ये मिक्स हो चुका है. और अब ये जो कलर है ना, ये रेडी है लगने के लिए, पेंट होने के लिए रेडी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू कलर.
ओ दिस इज आई थिंक कंप्लीट हो चुका है. सो टेल मी गाइस हाउ इट इज लुकिंग. सो दिस वॉज माई टूडेज ब्लॉग और ये किया मैंने आज जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था और आई एंजॉयड इट. मतलब ये सब करना, चलो वेल्डिंग मारना और ये सब सबको नहीं आता बट मुझे आता है बिकॉज मेरे घर की गैरेज है, दैट्स व्हाई मुझे आता है. बट कलरिंग करना और ये सब चीज़ें इट इज़ फन राइट. सो कैसे करना है क्या करना है वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है और बट कलर कैसे करना है, कलर को कैसे मिक्स करना है ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी राइट. तो इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, ट्रस्ट मी इट इज सो मच फन, जस्ट डू इट वंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. इट इज योर चैनल, इट्स योर बॉडी मैन एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड शेयर विथ योर बॉडीज. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन शब खैर.